दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की जो है प्रीव्यू करने वाले हैं। सारे जो है रिकॉर्ड्स और स्टैट्स आपको सामने रखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है इस मैच में और कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं सामने वाली टीम के खिलाफ और इंग्लैंड में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं और दोस्तों दोनों टीमों से क्या रह सकती है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड्स इससे बेहतर कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जानते हैं क्या है वो स्टैट्स और रिकॉर्ड और दोस्तों क्या रह सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की। दोस्तों दोनों टीमों के बीच 126 मैच टेस्ट मैच खेले गए हैं जिसमें दोस्तों इंडिया ने 29 मुकाबले जीते हैं और इंग्लैंड ने 48 मुकाबले जीते हैं। ड्रॉ की बात करें दोस्तों 49 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में। इंडिया ने इंग्लैंड में कितने मुकाबले जीते हैं इंग्लैंड टीम के खिलाफ, तो दोस्तों 62 मुकाबले खेले गए हैं, 7 मुकाबले इंडिया ने विन किए हैं, 34 मुकाबले हारी है भारतीय टीम, 21 मुकाबले पर ड्रॉ साबित हुए हैं। दोस्तों बात करें कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं इंग्लैंड टीम के खिलाफ ऑल ओवर मिला के, दोस्तों विराट कोहली का नाम निकल के आता है इस टीम में जो प्लेइंग 11 अभी करंट है हमारी टीम। दोस्तों 23 मुकाबले खेले, 41 मुकाबलों में बैटिंग की है विराट कोहली ने, 1742 रन विराट कोहली ने बनाए हैं 45.84 की कमाल की औसत के साथ। पाँच शतक लगाए हैं, 7 अर्धशतक लगाए हैं। हाईएस्ट की बात करें दोस्तों 235 रन विराट कोहली ने जड़े हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और दोस्तों इंग्लैंड की टीम से बात करें ऑल ओवर इंडिया के खिलाफ किसने ज़्यादा रन बनाए हैं, दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ बनाए इंग्लैंड की टीम से बनाए हैं जो रूट ने रन, जिसमें दोस्तों उन्होंने 20 पारियां खेली हैं, 36 मुकाबलों में बैटिंग की है, 1779 रन बनाए हैं जो रूट ने। एवरेज की बात करें 54.21 की कमाल की एवरेज भी रही है, 5 शतक लगाए हैं, 9 अर्धशतक लगाए हैं, 218 इनका बेस्ट स्कोर साबित रहा है। अब दोस्तों बात करें हम बॉलिंग स्टैट के बारे में कि किसने सबसे ज़्यादा विकेट निकाली है इंग्लैंड के खिलाफ ऑल ओवर, तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन का नाम निकल के आता है, 19 मुकाबलों की 35 पारियों में बॉलिंग की है, 88 विकेट निकाली हैं। एवरेज की बात करें 28.59 की कमाल की एवरेज भी रही है, जो है 6 बार जो है 5 विकेट निकाली हैं, 1 बार 10 विकेट भी निकाली है। अब दोस्तों बात करें इंग्लैंड की टीम की इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट किसने निकाली है, दोस्तों उनका नाम निकल के आता है जिमी एंडरसन, 30 मुकाबले खेले हैं, 30 मुकाबलों की 56 पारियों में बॉलिंग की है, 118 विकेट चटकाई है। एवरेज की बात करें 25.96 की एवरेज रही है, 5 विकेट निकाली हैं दोस्तों 4 बार, 10 विकेट एक भी बार नहीं निकाल पाए हैं। अब दोस्तों बात करें हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबलों में, इंग्लैंड में जो मैच हुए हैं उनके मुकाबलों में किसने सबसे ज़्यादा विकेट निकाली हैं इंग्लैंड के सरजमी पे, दोस्तों उनका नाम निकल के आता है ईशांत शर्मा, 12 मैच खेले हैं, 19 पारियों में बैटिंग की है, 43 विकेट निकाले हैं। एवरेज की बात करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, 33.9 की एवरेज रही है, 2 बार 5 विकेट भी निकाली हैं। अब दोस्तों बैटिंग की बात करें किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, दोस्तों उसका नाम निकल के आता है विराट कोहली, 12 मुकाबले खेले हैं, 30 इनिंग में बैटिंग की है, 727 रन बनाए हैं। और दोस्तों एवरेज की बात करें दोस्तों 36.35 की एवरेज रही है, 2 शतक लगाए हैं, 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। इससे पहले दोस्तों ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था और अभी भी है, इस सीरीज में विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने का अभी प्रेजेंट टाइम पे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, कि दोनों टीमों की कौन सी रह सकती है प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर को मिल सकता है मौका। दोस्तों अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की टीम से रोहित शर्मा और केएल राहुल आपको ओपन करते हुए देखेंगे गारंटेड, नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए देखेंगे, नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे दोस्तों ऋषभ पंत, नंबर 7 पे हनुमा विहारी, नंबर 8 पे रविचंद्र अश्विन, नंबर 9 पे दोस्तों मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे ईशांत शर्मा और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। अब दोस्तों इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम से जो है रॉरी बर्न्स और जैक आपको ओपन करते हुए देखेंगे, नंबर 3 पे डॉम सिबली आपको खेलते हुए देखेंगे, नंबर 4 पे जो रूट, नंबर 5 पे दोस्तों जॉनी बेस्टो या फिर ओली पॉप में से कोई आपको एक खेलता हुआ दिखेगा, इंजरी का इशू है, देखते हैं कौन खेल पाता है, कौन फिट रह पाता है दोस्तों। और नंबर 6 पे आपको बात बता दें तो नंबर 6 पे जॉस बटलर आपको खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 7 पे आपको दिख सकते हैं दोस्तों
डोनियन लॉरेंस, और नंबर 8 पे देखेंगे दोस्तों आपको जैक लीस, नंबर 9 पे जो है मार्क वुड, नंबर 10 पे स्टुअर्ट ब्रॉड, नंबर 11 पे आपको देखेंगे दोस्तों जिमी एंडरसन। ये रह सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। आप बताइए आप इस टीम से सेटिस्फाई हैं या नहीं, और दोस्तों मैंने जितने भी आपको स्टैट बताए आप उसके आधार पर अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी प्रिडिक्शन करके जाइए, मतलब बता के जाइए कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर सकती है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाके दे सकें। यही था आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।